Hi, my name is Angel and I'm working as makeup expert with Ashmin Munjal Star Salons और मैं एक ब्यूटी एक्सपर्ट भी हूँ. तो क्योंकि विंटर्स आ गए हैं, मैं आज आपसे शेयर करना चाहूँगी कुछ ऐसी टिप्स जो आपको विंटर्स में अपनी स्किन को नरिश रखने में और अपने बालों को नरिश रखने में हेल्प करेंगे. तो आइए शुरू करते हैं. सबसे पहली टिप, जब सर्दियों में आप वाटर यूज़ करते हैं, चाहे वो आपने हेयर वॉश करने के लिए है या फेस वॉश करने के लिए है, द वाटर शुड बी ल्यूक वॉर्म. सिर्फ गुनगुना पानी अपने फेस पर अपने बालों पे यूज़ करें, क्योंकि मौसम वैसे ही बहुत ड्राई होता है और गर्म पानी हमारी स्किन और हेयर को और ज़्यादा ड्राई कर देता है. तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि हम हॉट वाटर बिल्कुल भी यूज़ ना करें. मॉइस्चराइज करना अपनी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इमीडिएटली फेस वॉश करने के बाद आपको अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करना ही करना है. और मॉइस्चराइज़र लेते टाइम आपको सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि वो ग्रीसी ना हो के थोड़ा सा ज़्यादा रिच ऑयली हो. मार्केट में मॉइस्चराइज़र आते हैं जो वाटर बेस्ड होते हैं और जो ऑयल बेस्ड होते हैं. बेटर ये है कि विंटर्स के लिए आप एक ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइज़र खरीदें किसी अच्छी ब्रांड का, और जैसे ही आप फेस वॉश करते हैं उसके बाद अपने स्किन को मॉइस्चराइज़ ज़रूर करें. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जब आप सर्दियों में घर से बाहर निकलें तो अपने हाथों को ग्लव से कवर करें. कोशिश करें कि आप स्कार्फ या मफलर या कुछ भी गर्म वेयर करें, क्योंकि जब ठंडी हवा आपकी स्किन के कॉन्टैक्ट में आती है तो वो आपकी बॉडी से सारा मॉइस्चर खींच लेती है. क्योंकि सर्दियों का टाइम है, हमें ठंड लगती है, तो हम पानी कम पीते हैं, और पानी कम पीने की वजह से जो हमारी बॉडी में ड्राइनेस हो रही है वो ओवरकम नहीं हो पाती. इसी वजह से हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि दिन में मिनिमम 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर पीना ही पीना है. इतना हम गर्मियों में भी सजेस्ट करते हैं अपने क्लाइंट्स को और जिन लोगों से मिलते हैं उनको. लेकिन सर्दियाँ डेफिनेटली आपकी बॉडी का सारा मॉइस्चर खींच रही हैं, आपकी स्कैल्प को, आपकी स्किन को, आपके हाथों को ड्राई कर रही हैं. तो जितना ज़्यादा आप फ्लूइड लेंगे, चाहे आप जूसेस ले रहे हैं, फ्रेश फ्रूट जूस, पानी, जितने ज़्यादा फ्लूइड्स होंगे उतना ज़्यादा आपकी बॉडी और आपकी स्किन मॉइस्चराइज रहेगी. एंड नथिंग इज़ बेटर देन अ मॉइस्चराइज स्किन. हीटर चलाना अच्छा है, लेकिन अगेन जब हमारे घर के अंदर हीट आ रही होती है तो हमारे आसपास की हवा का भी मॉइस्चर खींच लेती है. और जब आप हीटर चला के सो जाते हैं तो आपको रियलाइज़ नहीं होगा, लेकिन आपके लिप्स ड्राई हो जाते हैं, आपकी स्किन से सारा मॉइस्चर खींच जाता है, और जो ओवरनाइट आपकी स्किन को गेन होना चाहिए था मॉइस्चर वो लूज़ हो जाता है. तो बेटर ये रहेगा कि आप अपने घर के अंदर अगर हीटर चला रहे हैं तो साथ ही साथ एक ह्यूमिडिफायर भी चलाएं, या फिर कमरे के अंदर पानी एक ओपन बाउल के अंदर रखें ताकि एनवायरनमेंट के अंदर थोड़ा सा मॉइस्चर बना रहे. इससे आपकी स्किन रात रात में जब हीटर चल रहा है तब ड्राई नहीं होगी. तो एक और चीज़ जो हम अपनी स्किन के साथ अच्छा कर सकते हैं वो ये है कि एक हैवी मॉइस्चराइज़र क्रीम अपने हाथों पे, पैरों पे, एल्बोज़ पे और फेस पे लगा कर सोएं. और जब आपने अपने पैरों पे भी क्रीम लगाई है, अच्छे से उसको मॉइस्चराइज़ किया, उसके बाद कॉटन की सॉक्स पहन लें ताकि वो मॉइस्चर इंटैक्ट रहे. इससे आपकी हील्स कट नहीं होंगी, आपके हाथ ड्राई नहीं होंगे, और जहाँ पे भी स्किन पील ऑफ होने के थोड़े चांसेस होते हैं वो कंट्रोल हो जाएगा. विंटर्स में एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो हम सब फेस करते हैं, दैट इज़ डैंड्रफ. एंड वी नीड टू बी वेरी श्योर कि हमारी डैंड्रफ किस तरीके की है. हमें पता होना चाहिए वेदर इट इज़ ड्राई डैंड्रफ और इट्स ऑयली डैंड्रफ. अकॉर्डिंगली आपको अपने शैम्पूज, अपने कंडीशनर्स को चेंज करना होता है. जब आप गर्म पानी से अपना सिर धोते हैं या बालों को वॉश करते हैं तो स्कैल्प ड्राई हो जाती है, और इसी वजह से आपका शैम्पू इतना अच्छा होना चाहिए, इतना हाईली मॉइस्चराइज शैम्पू होना चाहिए कि वो उस ड्राइनेस को बढ़ने ना दे और वहीं पर रोक दे. प्लस बालों के स्कैल्प का ध्यान रखने के लिए आपको ऑयल लगाना बहुत ज़रूरी है. विंटर्स में तो डेफिनेटली यू हैव टू ऑयल योर स्कैल्प. ज़रूरी है ये समझना कि जैसे ही विंटर्स आए हम अपने समर्स के प्रोडक्ट उठाकर उससे काम नहीं चला सकते. तो विंटर्स आते ही आपको अपना क्लेंजर चेंज करना बहुत ज़रूरी है. जो क्रीम आप गर्मियों में यूज़ कर रहे थे वही क्रीम आप सर्दियों में यूज़ नहीं कर सकते हैं. तो क्लेंजर चेंज कीजिए. विंटर का क्लेंजर डेफिनेटली मॉइस्चर रिच होना चाहिए, और एक अच्छी ब्रांड का क्लेंजर यूज़ कीजिए ताकि आपकी स्किन को हाइड्रेट रहने में प्रॉब्लम ना हो. जहाँ हम स्किन की बात कर रहे हैं वहाँ पे सिर्फ फेस का ध्यान रखना इज़ नॉट सफिशिएंट. तो हमें अपने हाथों का, अपने पैरों का, अपनी पूरी बॉडी की स्किन का ध्यान रखना है. तो सबसे इजी स्टेप है कि नहाने के बाद, जस्ट आफ्टर यू टेक शावर, यू कैन जस्ट पुट बॉडी ऑयल ऑन ऑल ऑफ योर बॉडी. एक अच्छा सा माइल्ड बॉडी ऑयल अपने वॉशरूम में, अपने बाथ एरिया में रखें, और नहाने के बाद इमीजिएटली अपनी बॉडी पे वो बॉडी ऑयल लगा लें. इससे जो ड्राइनेस पानी की वजह से या गर्म पानी की वजह से आपकी बॉडी में आ सकती थी वो ऑयल से कंट्रोल हो जाएगी. उसके बाद यू विल फील द डिफरेंस. आपको पता चलेगा कि वो ऑयल बॉडी के अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो गया है. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट.
आज जो भी हमने आपसे यहाँ शेयर किया है, आई होप ये आपके काम आए एंड यू हैव वंडरफुल हेल्दी विंटर्स। और इससे ज़्यादा ब्यूटी टिप्स के लिए लॉग ऑन टू jagran.com।